तो वेलकम फ्रेंड्स दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेक पेपर ईटीपी का। ईटीपी मतलब कि एन क्या बोलते हैं आप लोग, उद्यमिता, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप ना, हाँ मुझे तो मालूम भी नहीं यार, एंटरप्रेन्योरशिप जिसे कि आप उद्यमिता बोलते हैं, ठीक ना। तो उसी का पेपर देखेंगे, ग्रेजुएशन सेमेस्टर 6 ईटीपी सेक पेपर। और यह जो सेक पेपर होता है आपका 2021 में एग्जाम लिया जा चुका है, और इसमें कुल समय जो आपको दिया जाता है 1.5 घंटे दिए जाते हैं, और फुल मार्क्स होता है 50 नंबर का, जिसमें से 40 नंबर आपको इस पेपर में देने होते हैं और 10 नंबर आपको एग्जाम में दिया जाता है आपके कॉलेज की तरफ से, ठीक। 10 नंबर कॉलेज की तरफ से और 40 नंबर इस एग्जाम में आपको लिखने हैं। इसमें पासिंग नंबर आपको जो है दोस्तों 13 नंबर लाना है, अगर आप 13 नंबर से कम लाते हैं तो इस पेपर में आप फेल हो जाएंगे, ठीक। तो इसको बड़े ही सावधानी से पढ़ना है। देखिए इन प्रश्नों के जितने भी यहाँ पे टोटल 20 प्रश्न आपको पूछे गए हैं, और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 मार्क्स का है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि गलत करने पर आपको कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और देखिए प्रश्नों का जो उत्तर है आपको स्वयं ढूंढना है। मुझे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है ये मानकर चलिए, मुझे जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ठीक ना, आपको सभी प्रश्नों का उत्तर आना चाहिए, और नहीं आते हैं तो किताब से ढूंढिए, गूगल से ढूंढिए, लेकिन आप ढूंढिए, ठीक। तो आइए देखते हैं किस टाइप के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो पहला प्रश्न, मैं केवल हिंदी में ही पढ़ूंगा, जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं वो इंग्लिश को पढ़ें। इज नॉट अ वेरिएबल कॉस्ट, ठीक ना। तो आपको इंग्लिश भी दिया गया है और हिंदी भी दिया गया है, तो मैं हिंदी में ही पढ़ूंगा क्योंकि मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ हिंदी में। परिवर्तनशील लागत नहीं है क्या, कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल कॉस्ट जिसे आप बोलते हैं, दूसरा आपका प्रत्यक्ष मजदूरी, और सी नंबर है कारखाना किराया या शक्ति। इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री रेंट, पावर, ठीक। तो क्या है आपको उत्तर स्वयं देना है। अगला है, एक चालू संपत्ति नहीं है, एक चालू संपत्ति नहीं है, इज नॉट अ करेंट एसेट, एसेट मतलब संपत्ति होता है, ठीक। तो एक चालू संपत्ति नहीं है क्या, देनेदार, रोल
बहुत कम भूमिका यानी कि वेरी लिटिल रोल, तीसरा है आपका कोई भूमिका नहीं यानी कि नो रोल, और चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ दीज। आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, कार्यशील पूंजी यानी कि वर्किंग कैपिटल है, क्या है कार्यशील पूंजी? चालू संपत्ति घटाव यानी कि माइनस चालू दायित्व, चालू संपत्ति प्लस चालू दायित्व, यहाँ पे आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं करंट एसेट्स, करंट ये क्या है लाइबिलिटीज है शायद। अगला है ऑप्शन सी, चालू संपत्ति गुने चालू दायित्व, और चौथा है आपका चालू संपत्ति गुने चालू दायित्व। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि नाबार्ड, फिर से क्या आ गया वही संस्थाओं के बारे में, नाबार्ड वित्त प्रदान करता है, नाबार्ड किसको धन देता है? नाबार्ड प्रोवाइड फाइनेंस टू, किसको धन देता है? बड़े उद्योगों को, कृषि को, छोटे उद्योगों को, या इनमें से सभी। अगला है पूंजी प्रदान परियोजनाओं में प्लांट एवं मशीनरी में निवेश रखता है, किसमें निवेश रखता है? तो कैपिटल ये क्या है इंटेंसिव प्रोजेक्ट है, किसमें करता है? तो पहला है आपका बहुत अधिक, दूसरा है बहुत कम वेरी लो, तीसरा है सी यानी कि शून्य जिसमें नील होगा, और डी इनमें से सभी। 11 नंबर क्वेश्चन आता है दोस्तों कि सम विच्छेद बिंदु पर एट ब्रेक एवर पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु पर क्या होता है? कुल आय बराबर कुल लागत, कुल आय बड़ा है कुल लागत से, कुल आय छोटा है कुल लागत से, या इनमें से कोई नहीं। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों कि शॉर्ट विश्लेषण में डब्लू का अर्थ क्या होता है, ठीक ना? इन शॉर्ट एनालाइज डब्लू स्टैंड फॉर, किसके लिए स्टैंड किया जाता है? कमजोरी के लिए यानी कि वीकनेस के लिए, दूसरा है मजदूर के लिए यानी कि वर्कर के लिए, तीसरा है आपका मजदूरी के लिए यानी कि वेजेस के लिए, और चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। अगला देखते हैं दोस्तों, तो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक्जिम बैंक वित्त प्रदान करता है, एक्जिम बैंक प्रोवाइड फाइनेंस टू, किसे वित्त प्रदान करता है? लघु उद्योग को, स्मॉल इंडस्ट्रीज को, दूसरा है कृषि एवं ग्रामीण विकास को यानी कि एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सी नंबर है आपका विदेशी व्यापार को करता है, फॉरेन ट्रेड को, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला देखते हैं तो हमारा 14 नंबर क्वेश्चन आता है कि लघु एवं मध्यम उद्योग मदद करता है, लघु और मध्यम उद्योग किसको मदद करता है? अर्थव्यवस्था के विकास में, बेरोजगारी में कमी, या क्षेत्रीय असंतुलन में कमी, या इनमें से सभी। इंग्लिश में स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, बी आपका देख सकते हैं, ठीक ना, रिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रिडक्शन इन रीजन इम्बैलेंस, इम्बैलेंसेस होगा, ऑल ऑफ दीज। अब तो 15 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है, देखिए प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, इसलिए थोड़ा सोच समझ के आपको वहाँ पे आपको एक ओमार शीट दिया जाएगा, ओमार शीट में आपको फिल करना होगा, ठीक ना, और ओमार शीट में आप ब्लैक पेन का यूज कीजिएगा हमेशा, जब भी आप ओमार शीट भरिएगा तो ब्लैक पेन का यूज कीजिएगा, ब्लू पेन नहीं, ठीक ना। और ओमार शीट का आपको मालूम है कि अच्छे से चेक करना होता है, इसलिए कोई भी चीज़ को आप गलत भी नहीं भरिएगा। विपणन के चौथी या चौथी है, ठीक ना, ये थोड़ा क्या बोलते हैं कि उर्दू पुराने टाइप का जो हिंदी होता है ना, अरबी हिंदी, उसमें लिखा गया है, सॉरी देवनागरी हिंदी में, विपणन के चौथी में शामिल है, शामिल नहीं है, सॉरी विपणन के चौथी में शामिल नहीं है। फोर्थ पीएस ऑफ मार्केटिंग डज नॉट इंक्लूडेड, तो इसमें क्या इंक्लूडिंग नहीं है? पहला है आपका उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट, दूसरा है आपका मूल्य यानी कि प्राइस जिसे आप बोलते हैं, सी नंबर पे आपका संवर्धन यानी कि प्रमोशन, और चौथा है आपका प्लांट। आगे देखते हैं तो हमारा 16 नंबर है कि सीड कैपिटल सहायता है, सीड कैपिटल असिस्टेंस इज, तो किसमें सहायता करता है? सहायता किसमें करता है? एक प्रारंभिक सहायता, एक दीर्घ अवधि सहायता, बीज की खरीद के लिए एवं सहायता, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर ढूंढ लीजिए। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, एक अच्छा ब्रांड नाम होना चाहिए, अ गुड ब्रांड नेम शुड बी, अनोखा होना चाहिए यानी कि यूनिक, याद रखने में आसान हो, इजी टू रिमेम्बर, साधारण यानी कि सिंपल हो, या इनमें से सभी।
तो जहाँ तक तो मुझे लगता है कि ये सभी होना चाहिए यार, नाम जल्दी याद हो जाएगा, वही ना। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन कि एक व्यक्ति जो नए व्यापार की शुरुआत एवं देखभाल करता है क्या कहलाता है? अ इंडिविजुअल हु स्टार्ट क्रिएट्स एंड मैनेज अ न्यू बिजनेस इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? एक प्रबंधक, अ मैनेजर, एक नेता, अ लीडर, एक पेशेवर यानी कि एक प्रोफेशनल, या एक उद्यमी, एन इंटरप्रेन्योर। तो क्या बोला जाता है? आप स्वयं जवाब दीजिए यार, आप कॉमर्स में पढ़ रहे हैं ठीक ना, तो अच्छा खासा आपका नॉलेज होगा इस एरिया में। अगला है आपका व्यापार में विफलता का कारण, व्यापार में विफलता यानी कि लोग फेल क्यों हो जाते हैं? रीजन फॉर बिजनेस फेलियर इज खतरा प्रबंधन, पुअर मैनेजमेंट, खराब वित्तीय नियंत्रण, पुअर फाइनेंशियल कंट्रोल। इनमें से सभी उत्तर होगा तो मुझे मालूम है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन जो है ना सबको लगता है कि इजी होता है। बाजार अनुसंधान की कमी ठीक ना, लैक ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, और इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस। और अंतिम क्वेश्चन है आपका 20 नंबर कि भारत में उद्यमिता विकास की धीमी प्रगति का क्या कारण है? द कॉजेज ऑफ यानी कि रीजन बताना है, स्लो डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया इज। तो क्यों इतना धीमी है? पहला है पूंजी का अभाव, लैक ऑफ कैपिटल। दूसरा है तकनीकी शिक्षा का अभाव, लैक ऑफ टेक्निकल एडुकेशन। इनमें से सभी इसका भी उत्तर होगा दोस्त। तो जहाँ पे लगे ना कि इनमें से सभी दिया है, वहाँ पे 90% मामलों में उसका उत्तर वही होता है, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज ठीक। और जहाँ पे लिखा होता है कि इनमें से कोई नहीं, तो वो उत्तर बहुत ही 90% चांसेस होता है कि वो नहीं होगा, और इनमें से सभी 90% चांसेस होता है कि ये होगा ठीक ना। तो यहाँ पे है अगला आधारभूत संरचना का अभाव, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, और इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका उत्तर भी ऑल ऑफ दीज होगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको बीए के यानी कि ग्रेजुएशन के बीए बीकॉम बीएससी किसी भी चीज़ का आपको देखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ठीक ना, चाहे आपका ऑनर्स पेपर कुछ भी हो, चाहे आप कोई भी सेमेस्टर में क्यों ना हो, आपको हमारे चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सारे के सारे आपके मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आपका कोई दोस्त ग्रेजुएशन में पढ़ रहा हो तो उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपके दोस्त का जो भी चीज़ ऑनर्स होगा उसका भी यहाँ पे हम अपलोड करते हैं, तो ये आपसे हमारी रिक्वेस्ट होगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए और देश को भी आगे बढ़ाइए। सेमेस्टर 6 में पहुँच चुके हैं, तो अब अपना जो है रोजगार कोई देख लीजिए यार, आप भी अब बेरोजगार मत रहिए ठीक ना, क्योंकि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, आप एक 22-23 साल के बंदे हो चुके हैं, 21 साल के तो खूब ठीक ना। तो आप अपना रोजगार देखिए, अगर आप पुरुष हैं तो, महिलाओं को तो लड़कियों को कुछ दिक्कत होता है, तो बॉयस हैं तो बिल्कुल अपना रोजगार देखिए। तो चलिए काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।